टीचर, इतने दिन कहाँ थे? स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू, इंसान समझा ही कहाँ है आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़े ही रहे। टीचर, नो नो लड़का लड़की से, ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं। तू है एक कोमल कली, मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। लड़की, अच्छा तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? लड़का, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो और आज्ञाकारी हो। प्रेमिका, मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है। महिला, डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं मैं? डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। पप्पू अपनी पत्नी से, अच्छा ये बताओ, विदाई के समय तुम लड़कियां इतनी रोती क्यों हो? पत्नी, पागल, अगर तुझे पता चले अपने घर से दूर ले जाकर कोई तुमसे बर्तन मंजवाएगा तो तू क्या नाचेगा? बैंक की कैशियर ने खिड़की पर खड़े आदमी को कहा, पैसे नहीं है। ग्राहक, और दो मोदी मालियों को पैसा, सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में। कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, साले बैंक में तो है, तेरे खाते में नहीं है, भिखारी। जज, घर में मालिक होते हुए तूने चोरी कैसे की? चोर, साहब आपकी नौकरी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है, फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे? पब्लिक टॉयलेट में लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू यहीं पर बैठा है। पप्पू ने अपना दिमाग लगाया और नीचे लिखा, चांद पर पानी नहीं था इसलिए वापस आ गया। टिल्लू लड़की से, मैं 18 साल का हूँ। और तुम? लड़की, मैं भी 18 साल की हूँ। टिल्लू, तो फिर चलो ना, इसमें शर्माना क्या? लड़की, कहाँ? टिल्लू, अरे पगली, वोट देने और कहाँ।